दर्शकों, हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हैं सतलोक आश्रम के। यहाँ पर आए हैं एमएलए पुंडरी श्रीमान रणधीर गोलन जी। आइए उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते बहन जी। सर आप सतलोक आश्रम में आए हैं, आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? देखिए, मेरा काफ़ी दिनों से इस आश्रम में आने का मन था, लेकिन समय नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा भाई जैसे मैं एक अच्छे स्थान पे आया हूँ, और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो सेवक हैं, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, मैंने तो ऐसे महसूस किया है यहाँ। सर, जैसा कि आपने अपने जीवन काल में अनेकों धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया होगा, आपको उन धार्मिक स्थलों से सतलोक आश्रम में क्या भिन्नता नज़र आई? देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, और अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं, और यह आश्रम भी रामपाल जी के महाराज जी के नाम से है, और जो उनके अनुयायी हुए उनकी एक बड़ी आस्था उनके प्रति। बेशक महाराज जी जेड़ में हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे पास ही आश्रम में है, तो ये श्रद्धा की भाव की बात होती है। और महापुरुषों कभी युगों युगों से ये रहा है कि जो संत समाज के लोग होते हैं वो सबके होते हैं, किसी के भेदभाव नहीं रखते। लेकिन आज इस आश्रम में आके बड़ा अच्छा महसूस किया है। बड़ी आश्रम है, सब तरफ भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद चल रहा है, सेवा लगा रहे हैं सेवक उनके। सर, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय कोई बहुमूल्य नहीं, मैं तो मेरे जो साथी हैं खेड़ी से, कोल से, पवनावा से, पुंडरी, उनका निवेदन था एक बारी आना, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस स्थान पर आके मेरा जीवन सफल हो जाए। सर, आपसे अंतिम सवाल कि जैसा कि आपने कहा आपको यहाँ आकर अच्छा लगा, आपका जीवन सफल हुआ, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आप उनको यहाँ आने के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो सभी भाइयों से, दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो अच्छा स्थान हुआ वहाँ पर दर्शन कर लेने चाहिए, यही दर्शकों से निवेदन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हमने देखा है और आपने भी देखा होगा यहाँ पर कुछ दहेज रहित विवाह हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ ये सारी समाज में जो बुराइयाँ हैं उनका अंत तभी होगा जब हम समाज के साथ जुड़ के सामाजिक कार्यों में रहेंगे और धर्म के साथ जुड़ेंगे। धर्म के, अगर कोई धर्म के साथ जुड़ देगा, दहेज लेना अपने आप छोड़ देगा, बहुत बड़ी बुराई है दहेज, सबको पता है। परंतु वो अंधे हो जाते हैं जो दहेज के लिए लालच करते हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा एक ही निचोड़ है कि हमें कबीर जी की वाणी और धर्म के साथ जुड़ना चाहिए, और जब हम धर्म के साथ जुड़ जाएंगे समाज में जितनी बुराइयाँ हैं या अपने आप ही उनका नष्ट हो जाए। सर, आपने सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की हुई व्यवस्थाएं देखी, उनके अनुयायियों का व्यवहार भी देखा होगा, तो आप संत रामपाल जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले कहा है कि कबीर जी की वाणी का प्रचार संत रामपाल जी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्हें यहाँ लंगर की व्यवस्था है, लोगों को ठहरने की व्यवस्था है, जो उनके अनुयायी हैं वो बधाई के पात्र हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।